और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 2 आपके अरियन पब्लिकेशन की बुक से। मैथ के चैप्टर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के जब तक आपका बेस आपका आधार नहीं मजबूत होगा तब तक आप आगे के क्वेश्चंस करने में आपको बड़ी परेशानी आ सकती है। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो भाई ढूंढ लेते हैं मार्कर कहाँ पर है, आ जाओ सीधा बोर्ड पे, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहली चीज कि वर्ग, हम लोगों ने इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने वर्ग पढ़ लिया था। वर्ग जो था कि वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलो फिर हम आज आ जाते हैं वर्गमूल पर, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे देखेंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, ठीक, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है जानने के पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक बैच है उड़ान बैच, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को इसकी जानकारी होगी भी। तो उड़ान बैच में हम लोगों को मिलेंगी सारे के सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस। उसके साथ हमको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, सभी सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा, और कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मिलेगा पूरे के पूरे पेपर, मतलब जितना है ना 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है तो 100 क्वेश्चंस के मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट। तो काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अलग ऐप पढ़ लिया पर चलती हैं, जो कि आपके प्ले स्टोर पर यह ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उड़ान बैच की जो कीमत है वो पूरे साल की फीस केवल और केवल ₹549। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आकर मुझसे आप बात कीजिएगा, वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी को देखते हुए कि वो बच्चा पढ़ने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो और आकर फिर मुझसे उड़ान बैच के बारे में और भी जो जानकारी चाहिए होगी, पेमेंट वगैरह कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मैं बता दूंगा। तो इसका जो ऐप है वो पढ़ लिया, वो अपना खुद का ही ऐप है, क्योंकि जो अपना दूसरा चैनल है ना पढ़ लिया अकेडमिक, उसका ये ऐप है, तो क्लासेस सारी उस पर चलती हैं। चलो तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट पर। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल ये होता है कि अगर संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर पुनः वही संख्या मिल जाए हमको। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम मान लें कि अगर हमें दे दिया गया, ये हमारा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट का साइन है ना, इस तरह से हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सा नंबर है, ये 4 है। तो 4 को, 4 जो है अगर हम इसको वर्ग में तोड़े यानी इसको हम स्क्वायर में तोड़े तो ये हमारा क्या हो जाता है, 2×2, यही तो लिखते हैं 2×2। तो 2×2 यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमेशा स्क्वायर रूट ही बाहर आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट से हमेशा स्क्वायर नंबर ही बाहर आ सकते हैं, वर्ग मूल से केवल एक वर्ग संख्या ही परफेक्ट, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ही बाहर आ सकती है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा एक वर्गमूल से एक वर्ग संख्या ही बाहर आ सकती है, यानी कि स्क्वायर रूट से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बाहर आ सकता है। काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में आती है भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर क्यों आ जाता है। तो इसके बारे में भी जान लो कि अगर किसी संख्या पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, किसी संख्या पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है स्क्वायर रूट का कि x की घात 1/2 यानी x की पावर 1/2 होगी, ठीक है। अब जैसे हमको यहाँ पर दिया गया 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 25 का
वर्गमूल हमको दिया गया। अब हमें ये निकालना है, तो हमको ये पता है कि ये 25 की घात 1/2 होगी। 25 की घात कितनी होगी? 1/2 होगी। अब 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 25 किसका वर्ग है, 25 किसका स्क्वायर है, पता है आपको 5 का है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग की घात 1/2, यानी 5 का स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो जाएगा। हमको ये पता है जब भी ब्रैकेट, मतलब अगर किसी पावर पे पावर लगी हो, किसी की घात पे घात लगी हो, तो उन घातों का क्या होता है, उन घातों का गुणा हो जाता है, उन घातों का गुणा हो जाता है। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 × 1/2, यानी 5 की पावर 2 × 1/2। यहाँ से हमारा ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। बहुत सीधी सी चीज़ है भाई कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, यानी 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग। और वर्ग से हमेशा स्क्वायर रूट, वर्ग संख्या जो होती है वो हमेशा वर्गमूल से बाहर आती है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा स्क्वायर रूट से बाहर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई है? समझ में आ गया कि आपको वर्गमूल क्या होता है, समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि वर्गमूल निकालने के तरीके कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है हमारा गुणनखंड विधि। सबसे पहला हमारा गुणनखंड विधि, ठीक। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे परफेक्ट, मतलब स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा? फैक्टर मेथड। अब आप ये सोचोगे भाई फैक्टर मेथड से हम कैसे निकाल पाएंगे? काफ़ी सारे बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज सीख लेंगे। जैसे अगर हमको एक नंबर दिया जाए वर्ग स्क्वायर रूट ऑफ 50,625, यानी 50,625 का वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सीधी सी चीज़ है इनका अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो भाई 50,625 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये सबसे पहले देखो कि ये किससे विभाजित होगा। इकाई का अंक 5 है, मैंने आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, विभाज्यता का नियम पढ़ाया था कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 के 5 ये हो गया 0, फिर 6 है 5 के 5, तो 6 में 1 बचा तो हो गया 12, तो 5 × 10 यहाँ 2 बचा तो हो गया 25, तो 5×5 25। बताओ ये समझ में आई बात भाई? 5 × 5 हमने किया, ये 0 था हमारा तो 0 लिख दिया, ये 6 है तो 6 में 5 × 5 ए वन टाइम ही जाएगा, तो 6 के पास 1 बच गया, तो 1 जो है 2 के पास जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 5 × 2 = 10 होता है। अब इसके पास 2 बच गया, तो ये 5 के पास गया 2, तो 25 हो गया, तो 5×5 = 25 हो गया। सेम ऐसा ही काम यहाँ पर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2 = 10। अब 1 जो है 5 के टेबल में आता नहीं, तो इसलिए हम 0 लगा देंगे, ठीक है। 1 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब 5 के टेबल में 12 भी नहीं आता, लेकिन 5 × 10 तक तो जाएगा ही, फिर 2 बचा हमारा, तो यानी 25 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 5×5 = 25। फिर हम 5 से करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5×4 = 22। जो है 5 के टेबल में नहीं आता तो 0 लगाएंगे, और 25 जो है वो 5 के टेबल में 5×5 = 25 होता है, ठीक है। अब फिर 5 से कर लो, तो हो जाएगा हमारा 5×8 = 40, 5×5 = 5। अब लास्ट में आ गया हमारा 81 किससे डिविजिबल है भाई? 81 अगर हम 8+1 करें तो 9, तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये 3 से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3×2 = 6, 3×7 = 21। फिर 3 से करेंगे तो 3×9 = 27, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3×3 = 9, फिर 3 से करेंगे तो 3×1 = 3। बात आ गई समझ में? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल किसका, 5 जितनी बार 1 2 3 4 4 बार
तो 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। और 3 जो है 1 2 3 4, तो यानी 4 × 3 भी है, 4 × 3 भी है, तो इसको भी लिख दो 3 × 3 × 3 × 3। ये हो गया हमारा, सही है ना। अब हम क्या करेंगे कि हम, मैंने क्या कहा कि हमेशा इससे जोड़े ही बाहर आ सकते हैं, वर्गमूल से स्क्वायर रूट से हमेशा पेयर ही बाहर आ सकते हैं। तो ये 5 का पेयर बना, जोड़ा बना, इस 5 का पेयर यानी जोड़ा बना, 3 का पेयर यानी जोड़ा बना, और इस 3 का बना, बताओ बन गया कि नहीं बन गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 × 3 × 3, ये हो गया हमारा, समझ आ गया। अब गुणा कर लो भाई, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 5 = 25, 25 × 9 = भाई 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, यही तो हुआ ना। तो 25 × 9 = कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, यानी 25 × 9 = 225। तो 50,625 का वर्गमूल कितना होगा 225। ये आपके एकेडमिक एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन, आपका एक चैप्टर भी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक चैप्टर है क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में, हाँ, या फिर आपका जो भी स्टेट बुक हो उससे भी। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उससे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल भी इन सभी चीज़ों में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको खुद रिप्लाई कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई। तो स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका है, अगर पहला तरीका तो ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा जो तरीका आता है वो है हमारा भाग विधि, ठीक है। अब भाग विधि में भाई हम कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, देखो भाग विधि में जैसे अगर हमको भाग विधि दिया गया, तो भाग विधि का मतलब, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं भाग विधि को, भाग विधि को इंग्लिश में कहा जाता है डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं बच्चा, डिवीजन मेथड। आप इसका जो बहुत ध्यान से देखना, डिवीजन मेथड सबसे बढ़िया होता है डिवीजन मेथड, क्योंकि यहाँ हमको ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचना नहीं पड़ता। देखो डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे हमको एक संख्या दी गई कि 50,625, हमको एक संख्या दी गई। अब हमें अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पर हमको स्क्वायर टेबल याद होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में ही कि आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर टेबल याद कर लीजिएगा, या तो फिर मैंने इसके पहले की क्लास में आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी कि आप 1 से लेके 99 तक की ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। तो इसमें पहले भाग भी समझ लेते हैं कि करना क्या है। तो इसके उल्टे साइड से पीछे की तरफ से आना और पेयर बना लेना, ऐसे ऐसे लाइन खींच देना, ठीक है। और जो पेयर बना वो तो बन जाएगा, जैसे यहाँ पर ये बन गया 5 और 2 का, यहाँ बन गया 6 और 0 का, लेकिन 5 का नहीं बना, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे करके ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 देखो कि 5 जो है कौन सी स्क्वायर टेबल में आता है, 5 जो है 5 कौन सी स्क्वायर, तो 5 तो नहीं आता, तो 5 से 5 से कम कोई भी संख्या 5 से कम देखनी है हमको। अब 5 से कम आप सोचोगे कौन सी, भाई 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 = 9 अगर हम करेंगे तो ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 × 3 = 9 जो है भाई। अगर देखो आप तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग जो है ये 4 होगा, और 3 का वर्ग जो होगा ये 9 होगा, ऐसे ही तो होगा। तो 9 जो है ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ 2 बार लेके जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, 4। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, अगला स्टेप भाई डिवीजन में माइनस ही तो किया जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 5 − 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब जब भी नीचे हम नीचे जो नंबर लेके आते हैं हमेशा इसमें हम पेयर को, इसीलिए हमने 2-2 का पेयर बना रखा है, तो जब भी नीचे नंबर लेके आएंगे तो हमेशा क्या करेंगे हम पेयर में एक नंबर को नीचे लाएंगे, यानी कि हम इससे 0 और 6 को नीचे लाएंगे। अब हमारा हो गया 106। अब देखो अगला स्टेप, ये पहला स्टेप समझ में आ गया। पहले स्टेप में क्या करना है हमको, लास्ट से पेयर बनाना है, जैसे यहाँ 25 दो नंबर हो गए, 06 दो नंबर हो गए, 5 बच गया, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 जो है कौन सी स्क्वायर टेबल के नज़दीक आता है, तो 2 के स्क्वायर के नज़दीक आता है, तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 × 2 = 4,
तो 5-4 1, और हमेशा नीचे जो होगा वो जोड़ा ही आएगा, हमेशा नीचे जो होगा वो पेयर ही आएगा। अब इस 2 को, इसी 2 को इसमें जितना हमने किया था उतना ही प्लस कर देंगे। जैसे हमारा ये 2 था तो इसमें हमने 2 को प्लस कर दिया। अब हमको ये देखना है कि भाई 4 का 4 क्या आ गया, या तो 40 का स्क्वायर इसके नज़दीक पहुँचेगा, या तो 41 का स्क्वायर इसके नज़दीक पहुँचेगा, या तो 42 का स्क्वायर इसके नज़दीक पहुँचेगा। बताओ समझ में आई बात, है ना। यानी कि हमें यहाँ पर कोई 4 का ही स्क्वायर यहाँ पर हमें रखना है। तो अगर हम 40 का स्क्वायर करते हैं तो 0 का तो डबल 0 हो जाएगा, 4 का 16 तो 1600, मतलब 40 का वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1400। 40 का वर्ग, 41 का वर्ग करके देखते हैं तो 1 का वर्ग जो होगा वो 1 होगा, 4 का वर्ग जो होगा वो 16 होगा, है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 × 4 = 4000, मतलब कितना हो जाएगा 681। कितना आएगा 41 का वर्ग, कितना आ जाएगा हमारा, अगर आप देखोगे तो 41 का वर्ग हमारा कितना आ जाएगा, 681। तो इतना तो हम लेकर नहीं जा सकते, इतना हम लेकर नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे भाई, अभी सोचोगे ना कि स्क्वायर होगा तो गलती कहाँ पर होती, वो भी मैं बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 4 का पहाड़ा यहाँ पर 10 में अगर देखोगे तो 4 × 8, 4 × 2 = 8, यानी इसके नज़दीक आ रहा है। तो हम 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, इसके नज़दीक पहुँच जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, एक नंबर ये चीज़ याद रखिएगा कि जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी हम 2 ही रखेंगे, यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी हम 3 रखेंगे। तो 3 से अगर हम करके देखें तो 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 129, जो कि इससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसको 2 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 कर लो, यहाँ पर भी 2 कर लो। बताओ ये बात समझ में आई, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, फिर माइनस कर लो, ठीक है। माइनस कर लेंगे, 6 में से 4 घटाओगे, 6 − 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 − 8 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला स्टेप, पेयर हमेशा क्या होगा, नीचे आएगा, यानी आप यहाँ पर 25, यानी कि हम 25 को नीचे लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, 25 को नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पर 2 था तो इसमें 2 जोड़ दो, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 44, यानी कि 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। बात आई समझ में, 44 हो जाएगा। अब 44, अब हमको यहाँ पर कोई संख्या ऐसी रखनी है, कोई संख्या यहाँ पर ऐसी रखनी है कि जिससे कि इतना आ जाए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जो नंबर होगा वो सेम होगा। तो हमको पता है भाई इकाई का अंक केवल एक ही संख्या में आ सकता है, 5 के गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर ही 5×5 = 25 हमको मिल सकता है। तो हम 445, मतलब यहाँ पर भी 5 लिखो, यहाँ पर भी 5 लिखो, तो 445 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं, 445 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, कैरी 2, 5×4 = 20 और 2 हो गया कैरी 2, 5×4 = 20 और 2 हो गया लो आ गया। 445 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 2225 आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, 2, 2 और ये 5, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसका मतलब 50625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 225, यानी 50625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 225। बताओ समझ में आ गई बात, बताओ सभी लोग बताएंगे, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, कुछ याद रखने वाली बातें हैं और वो याद रखिएगा, स्क्वायर रूट जो होता है, क्योंकि ये मैं बार बार बता दूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से तैयार किए रहेंगे तो आगे चल के जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, SSC की, बैंक की, रेलवे की, NDA, CDS, CIVIL, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी से आपको प्रिपेयर रहेंगी तो आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें तैयार नहीं करनी पड़ेंगी। बात आ रही है समझ में, तो चलो फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया, अब जैसे कुछ चीज़ें हैं ये रिमेम्बरेबल हैं, ठीक है, रिमेम्बरेबल यानी कि याद रखने योग्य, ये हमेशा
याद रखिएगा। क्या क्या चीज़ें याद रखने हैं, जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि भाई एक का वर्गमूल कितना होगा, वन स्क्वायर रूट ऑफ वन कितना होगा, बताओ स्क्वायर रूट ऑफ वन कितना होगा, वन होगा। स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होगा, यानी चार का वर्गमूल कितना होगा, अभी मैंने बताया था क्लास के शुरुआत में ही, चार का वर्गमूल कितना होगा, दो होगा। फिर आ जाता है नौ का वर्गमूल, नाइन का स्क्वायर रूट कितना होगा, थ्री होगा। फिर आ जाता है सिक्सटीन, सिक्सटीन यानी सोलह का वर्गमूल कितना होगा, फोर यानी कि चार होगा। फिर सोलह के बाद पच्चीस, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट फाइव होगा। फिर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट सिक्स होगा। फिर फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चा, सेवन होगा, बताते चलो ताकि याद होता चले। फिर फोर्टी नाइन के बाद सिक्सटी फोर, चौंसठ का वर्गमूल कितना होगा, एट होगा, सही है। फिर एट्टी वन का स्क्वायर रूट इक्यासी का वर्गमूल नौ होगा। सौ का वर्गमूल कितना होगा, दस होगा। एक सौ इक्कीस का वर्गमूल कितना होगा, वन हंड्रेड ट्वेंटी वन का इलेवन होगा, सही है। वन हंड्रेड फोर्टी फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक सौ चौवालीस का भाई बारह होगा, बताओ समझ में आ रहा है। एक सौ उनहत्तर का वर्गमूल क्या होगा, वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन का, तो हो जाएगा थर्टीन मतलब तेरह। फिर एक सौ छियानवे का अगर आपको वर्गमूल याद रहेगा, ठीक है, चौदह होगा। यानी कि वर्गमूल अगर आपको वर्ग याद रहेगा तो आपको वर्गमूल भी आसान रहेगा निकालना, तो वर्ग एक से तीस तक के वर्ग याद रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला वर्ग है एक सौ छियानवे, एक सौ उनहत्तर, ठीक है, एक वन नाइन्टी सिक्स और वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं, 256 ये किसका है, 16 का। और उसके बाद 289 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये किसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 17 यानी कि 17। 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17। फिर 441 आ जाता है हमारा, ये किसका है, इसका वर्गमूल, 441 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 21 कितना हो जाएगा, 21 याद रहेगा। फिर आ जाता है 625, 625 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 625 इसका कितना होगा, 25 कितना होगा, 25 याद रहेगा बच्चा, याद रहेगा ना, याद कर लीजिएगा सारी चीज़ें। अगली चीज़ जो आती है वो आती है हमारी 900, 900 का कितना हो जाएगा भाई, 9 का स्क्वायर रूट 3, डबल जीरो है तो सिंगल जीरो हो जाएगा, बस इतनी चीज़, ठीक है। जैसे वर्ग करने पर जब हम वर्गमूल करते हैं तो किसी भी संख्या में अगर अंत में इकाई का अंक शून्य है तो वो दो शून्य हो जाते हैं, मतलब इकाई शून्यों की संख्या सम होती है ना, वैसे ही इसमें वर्गमूल में शून्यों की संख्या जो होती है वो विषम होती है, जितने शून्य होंगे उसके आधे, जैसे दो शून्य था तो एक शून्य हो गया, चार शून्य होता तो उसके वर्गमूल में दो शून्य हो जाता, छः शून्य होता तो उसके वर्गमूल में तीन शून्य हो जाता, बताओ समझ में आ रही बात। यानी स्क्वायर रूट जब भी निकालेंगे तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो हाफ हो जाएंगे, बात आ गई समझ में इतनी, चलो भाई ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगली चीज़ क्या आती है, अगली चीज़ जो आती है वो आती है डेसिमल वाला स्क्वायर रूट, है ना, कि दशमलव वाला हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अब ये भी बात सोचने वाली है। जैसे याद रखिएगा कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर है ना, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हिंदी में भी लिखते थे, नहीं कहोगे हिंदी में नहीं लिखते हैं, ठीक है, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। अब अगर हम देखें दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, देखें का वर्गमूल, तो अगर हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल देखें, जैसे हमको एक संख्या दे गई 6.25, 6.25 का वर्गमूल मतलब 6.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, 6.25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो 6.2 हमको ये पता है, पहले छोड़ दो है ना, डेसिमल हटाई दो, डेसिमल का तो कोई मतलब ही नहीं रखो, पहले समझो 6.25 यानी 625 अगर हम दशमलव हटा देंगे
डेसिमल हटा देंगे तो ये 625 यानी कि 625 बन जाएगा। और 625 का स्क्वायर रूट अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, भाई सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि 625 625 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखो काफ़ी सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25। दो नंबर के पहले डेसिमल है तो डेसिमल जो है वो आधे नंबर, मतलब दो है तो एक नंबर के पहले चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.5। बताओ भाई बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई 2.5। जैसे 50625, मैंने इसके पहले आपको बताया था 50625 और यहाँ दशमलव है ना, वर्गमूल वर्ग जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो इसमें जो दशमलव संख्या होगी वो हमेशा सम संख्याओं के पहले होगी। देखो दो दो चार संख्याओं के, दो संख्या के पहले, चार संख्या के पहले, छः संख्या के पहले, आठ संख्या के पहले, ऐसे होंगे ठीक है। अब यहाँ पर 625 का हमने वर्गमूल क्या निकालना था याद है किसी को, 50625 का वर्गमूल हमने क्या निकाला था 225, कितना निकाला था 225। अब यहाँ पर चार संख्या के पहले है तो चार संख्या के पहले तो वर्गमूल जब निकालेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये दशमलव कहाँ लग जाएगा, दो संख्या के पहले। चार के पहले था तो दो के पहले, दो के पहले डेसिमल था तो एक के पहले, छः के पहले डेसिमल होगा तो तीन के पहले, और आठ के पहले अगर डेसिमल होगा तो स्क्वायर रूट में चार के पहले डेसिमल लगाते हैं, याद हुई बात। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी कि आपको ये सारी चीज़ें, मतलब ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। बताओ समझ में आ गई बात, अब बिठा लें। चलो एक क्वेश्चन बताओ भाई, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अब ये बेसिक चीज़ें हो गई, अभी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 0.0625 ठीक इज इक्वल्स टू व्हाट, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि 0.0265 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 0.0625 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऑप्शन भी ले लो भाई, ऑप्शन है ए हमारा 0.25, ऑप्शन बी है हमारा 0.0025, ऑप्शन सी है कितना 0.025, और ऑप्शन डी है 0.0025। आपके हिसाब से इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, 0.0625 0.0625 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि उनका आंसर ए आ रहा है। अब ये भी देख लो मैंने क्या कहा कि अगर चार अंक के पहले दशमलव है किसी भी वर्गमूल में, चार अंक के पहले दशमलव है तो उनका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उनका जो डेसिमल होगा वो हाफ हो जाएगा यानी कि आधे नंबर के पहले, यानी चार के पहले है तो कहाँ आ जाएगा दो के पहले, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा 0.025 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी चार के पहले है, बी ऑप्शन में भी चार के पहले तो ये गलत, यहाँ तीन के पहले है तो गलत, यहाँ पे तो और ज़्यादा चला गया पाँच के पहले तो ये भी गलत। तो याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट हमेशा जब भी डेसिमल होगा तो उसके आधे पर रखेंगे। समझ में आ गई बात सभी को, ईमानदारी से बताओ भाई सभी को बात समझ में आ गई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देना ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर रूट 900 यानी कि 900 का वर्गमूल प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.1, 2, 3, 4, 5 और ये ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। अब ये बताना है आपको कि अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हो अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.0000009 और इनको सबका स्क्वायर रूट निकाल के प्लस करना हो तो हमारा आंसर कितना आएगा।
इसका यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसकी वैल्यू कि इसका आंसर कितना आएगा। हमारा ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन ए दिया गया 303.300, ऑप्शन बी दिया गया 3030.3, ऑप्शन सी दिया गया 3.0303 और ऑप्शन डी दिया गया 30.303। ये हमारा तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही है, है ना, इसलिए ये क्लास बिल्कुल कॉम्बो है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे समझ लें। तो ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क होगा और सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, इसका आंसर जाके देंगे सभी लोग कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर देंगे बच्चा, कमेंट बॉक्स में। सभी लोग इसका आंसर कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मैं बाद में भी चेक कर सकूँ। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है, है ना। आप किसी भी चैनल पर कमेंट करके देखिएगा, आपको रेड हार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप आंसर सही देंगे तो आपको एक रेड हार्ट भी मिलेगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जाकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इस वर्गमूल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे जो चीज़ें हैं, है ना, आगे जो चीज़ें हैं, अब आगे हमारा बचा है क्यूब, ठीक है। तो क्यूब के, लेकिन उसके पहले हम लोग स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में सभी लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चा। तो चलो फिर पढ़ते रहो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।